सब्सक्राइब कीजिए टेक इंजीनियर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाइए और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त यश। और दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी किसी भी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसका फ़ोटो का बड़ी आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं, उस पर कोई भी अपनी मर्जी का बैकग्राउंड लेके उस पर लगा सकते हैं। तो यही जानकारी मैं आज आपसे शेयर करने आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हम हेल्पफुल टिप्स ऐसे ही लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम प्ले स्टोर में हैं, तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा बैकग्राउंड इरेजर। जैसे आप बैकग्राउंड इरेजर लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये जो डब्बे से वाला बैकग्राउंड इरेजर वाला ये बन के आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये जो एप्लीकेशन है तकरीबन 1 या 2 MB से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, 1 या 2 MB से कम की ही एप्लीकेशन है। तो इसकी रेटिंग भी 4.4 है और 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे इंस्टॉल करके रखा है। तो चलिए इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, हाउ टू यूज़। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है इसको। ऐसे यहाँ से जाके अपने क्रोम में किसी ब्राउज़र में जाके पढ़ सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, रिपोर्ट ही तो कुछ ज़्यादा चीज़ें दी हैं कि इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको छेड़ने की। शेयर कर सकते हैं अगर आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड जो लेकर कहीं भी शेयर करना चाहें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बड़ा आइकन दिख रहा है यहाँ से आपको अपनी जो है फ़ोटो लेनी होगी। यहाँ से मैं एक फ़ोटो लेता हूँ, गैलरी में जाके कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी फ़ोटो, ये फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, ये जो फ़ोटो आ गई। अब इसको नीचे लिखा हुआ है क्रॉप एज़ मच एज़ पॉसिबल, तो आपको जितना हो सके कम से कम उतना इसको क्रॉप कर लेना जितना आपसे पहले रेगुलर हो सके। उतना क्रॉप करने के बाद फिर आप को इसको क्रॉप करना है, ज़्यादा क्रॉप नहीं करना क्योंकि बाद में आपने इसको जो है प्रॉपर तरीके से क्रॉप करना है बैकग्राउंड चेंज। अगर आप पहले ही ज़्यादा क्रॉप कर लेंगे तो बाद में वो फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। डन करेंगे तो ये जितना हो सके उतना क्रॉप करने के बाद इतना आ गया। उसके बाद हमने, आप इसको देखिए रिपेयर भी कर सकते हैं मैनुअल जो है, आप इस पर ऐसे करके आप देखिए क्रॉप कर सकते हैं मैनुअली अगर क्रॉप करना चाहें। ये देखिए ऐसे ऐसे क्रॉप करके इसको जो है बैकग्राउंड इसका जो है वो डिलीट कर सकते हैं, जितनी फ़ोटो का बैकग्राउंड चाहिए उतना रख सकते हैं, बाकी फालतू का डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करना अपने हाथ से तो यहाँ ऑटो की ऑप्शन आ रही होगी, ये देखिए इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से जाके क्लिक करेंगे तो वो सारा जो है बैकग्राउंड वो ऐसे कैसे रिपेयर हो जाएगा, फालतू का रिपेयर नहीं होगा, जितने आपने किया था अगर इरेज वही रिपेयर होगा यहाँ पे। तो अगर ऐसे आप मैनुअल नहीं करना चाहते तो आप ऑटो पे जाइए, ऑटो पे जाने के बाद ये ऐसा गोल चक्कर सा बन के आएगा, जहाँ आपने करना है क्लिक वहाँ पर आप देखिए एक बार क्लिक करेंगे सारा का सारा बैकग्राउंड जो है वो डिलीट हो गया। तो थोड़ा बहुत बचा है उसको नीचे लेके आइए, ड्रैग करिए, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे लेके आना है, ये देखिए ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, यहाँ पे लेके आना है, जो सेंटर है वहाँ रखना है आपने, सेंटर पे सारा बैकग्राउंड धीरे धीरे आपका जो है वो चेंज होता जाएगा थोड़ा सा ऐसे। ये देखिए जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है बैकग्राउंड चेंज करने वाला, पीछे बैग डिलीट करने वाला फालतू का पार्ट, उसको आपने यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसे कर देना है, तो जो सारा पार्ट है जो फालतू का वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कुछ ज़्यादा कर दिया, जैसे कि मैंने बालों के पास थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, तो ये रिपेयर करेंगे वो थोड़ा सा वहाँ पे ऐसे करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने डन की ऑप्शन करनी है, डन पे देखिए ऐसा आएगा। इसके बाद आपने जो है यहाँ पे इसको जहाँ पे फ़ोटो को लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, तो ये देखिए यहाँ पे जाके इसको बाद में आप फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपको दिख रहा है कहीं की जगह रह चुका है, उसको आप वापस जाके समूह ये वापस बैक जाने का बटन है, यहाँ से वापस जाके दोबारा भी यहाँ से आप इसको जो है मैनुअली जो है ऐसे जो है इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं ऐसे।
यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अब इस पर डन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो दोबारा जाके आप उसको जो जो चीज़ रह जाएगी उसका, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेव की ऑप्शन करनी है। यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है वो सेव हो चुकी है, इसके बाद आपको फिनिश करनी है। आप इसमें जेपीजी वाइट बैकग्राउंड, सेव एज जीपीजी, चेंज बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड में जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी आप अपना बैकग्राउंड गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, उस पर बैकग्राउंड पे फ़ोटो लगा सकते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो फ़ोटो है वो फिनिश हो चुकी है, वो हमारी जो फ़ोटो है वो सेव हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो फ़ोटो आ चुकी है यहाँ पे, ये देखिए। अब इस फोटो का बैकग्राउंड ब्लैक है, जो आपकी फ़ोटो जितनी आपको चाहिए आपकी उतनी फ़ोटो आई है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब इतना तो आपको आता ही होगा कि कहाँ आपने यूज़ करनी है, कहाँ पे जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी बैकग्राउंड लीजिए, कोई भी बैकग्राउंड पे इस फ़ोटो को जाके लगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन दबाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।